श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि के नव दुर्गा माता रानी के दिन आ गए, बहुत ही शुभ दिन चल रहे हैं। और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है। इस दिन माता को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। और देवी को अगर इस वस्तु का भोग लगाया जाता है, इस चीज़ का भोग लगाया जाता है, तो आयु में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता का दिन आपको माता रानी को विशेष भोग अवश्य लगाना चाहिए। शक्कर तो आसानी से मिल जाएगी, शक्कर का भोग तो हम लगा सकते हैं। तो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं, जो उपाय आप दूसरे दिन कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और ये नौ दिन खास है, हर एक दिन एक उपाय है, करके देखिएगा। आप जिस श्रद्धा, जिस भक्ति से करेंगे, जिस मनोकामना से करेंगे, वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, अभी तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो नवरात्रि में लौंग से करने वाला यह उपाय है। जी हाँ, लौंग से करना है और अपने घर पर ही कर सकते हैं। और विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय क्या करना है, देखिए, जिस व्यक्ति को तकलीफ है, जिस व्यक्ति की मनोकामना, उस व्यक्ति को अपनी आयु के मुताबिक, यानी अपनी आयु के हिसाब से लौंग लेना है। जैसे आपकी आयु है 20 वर्ष, तो आपको कितनी लौंग लेना रहेगी, 20 लौंग लेना रहेगी। आपकी आयु 30 वर्ष है और शादी नहीं हुई है, तो कितनी लौंग लेना रहेगी, 30 लौंग आपको लेनी रहेगी। जी हाँ, तो 20-30 जितनी आपकी आयु है, उतनी आपको एज के हिसाब से लौंग लेना है। करना क्या है, इस लौंग से आपको बनाना है माला। जी हाँ, लौंग की माला। और लौंग की माला कैसे बनाओगे, सुई से टोच टोच के लौंग से माला नहीं बन पाएगी, लौंग की माला बनेगी लौंग को बांध बांध के। और इसके लिए आपको जो धागा यूज़ करना है, वो आपको काला धागा यूज़ करना है। जी हाँ, काला धागा लीजिएगा और उस काले धागे को, काले धागे में लौंग को बांध कर, जी हाँ, लौंग को बांध बांध के लौंग की एक सुंदर सी माला आपको तैयार करना है। और इस लौंग की माला को आपको नव दुर्गा महारानी को, यानी आपके घर में माता जी का फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी हो, माता रानी को समर्पित करना है। जी हाँ, नौ दिनों के अंदर किसी एक दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। माता रानी को लौंग की माला समर्पित कर दीजिए। फिर क्या करना है, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जी हाँ, जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तब तक माता रानी पहनी रहेगी उस माला को। और जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, उस लौंग की माला को बहते हुए पानी में आपको विसर्जन कर देना है। जी हाँ, ये विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है, लौंग से करने वाला उपाय है। दूसरा उपाय, यह उपाय है, गुरु जी ने कहा है नौ दिनों में। जी हाँ, नवरात्रि के नौ दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हो। जीवन में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कष्ट दुख समाप्त नहीं हुआ है, तो यह उपाय आप कर सकते हो। और इस उपाय को करने से आपका वह कार्य, आपकी वह मनोकामना पूरी होगी ही होगी। करना क्या है, देखिए, आप सभी को तो पता ही होगा कि कुछ कुछ लोग अपने घर पर भी करते हैं, कुछ लोग बाहर पंडाल में लगाते हैं। यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, जोत के साथ ज्वारे भी बोते हैं। हाँ जी, ज्वारे कैसे होते हैं आप फोटो में देख सकते हैं, सभी को पता है हालांकि। तो कुछ लोग अपने घर में ज्वारे बोते हैं, पर कुछ लोग ज्वारे नहीं बोते घर में। तो करना क्या है आपको, जिस पंडाल में, जी हाँ, जिस पंडाल में ज्वारे बोए हुए हो, ऊपर तक हो गए हो, हरे हरे अच्छे से, बस आपको क्या करना है, पंडाल में जाना है, माता रानी के दर्शन करना है। और ज्वारे के दर्शन करते वक्त, हाँ जी, ज्वारे के दर्शन करें और ज्वारे के दर्शन करते वक्त आपकी जो भी मनोकामना आप कह दीजिए। गुरु जी ने कहा था, मात्र ज्वारे के दर्शन कर लेने से जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये विशेष उपाय है जो आप नवरात्रि में नौ दिनों के अंदर, आप घर में देखने जाते होंगे तो माता रानी के दर्शन भी करते हो, और दर्शन करते हो ज्वारे वहाँ बोते ही बोते, तो ज्वारे के भी दर्शन कर लीजिए। तो विशेष उपाय है, नवरात्रि के नौ दिनों में कभी भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय, जिनके विवाह में देरी हो रही है, मंगल विवाह अभी तक पक्का नहीं हुआ है, तो नवरात्रि के नौ दिन में आप यह विशेष उपाय कर सकते हो मंगल विवाह के लिए। जी हाँ, बहुत ही विशेष उपाय है। आपको क्या करना है, आपको पता होगा छोटी कुल्हड़ आती है, ये छोटी मटकी टाइप आता है, जी हाँ, जो करवा रहता है ना, उस करवे के जैसा दिखता है वो, उसे कहा जाता है कलश, माटी का कलश। जी हाँ, उस कलश को लेना है और उस कलश में आपको भरना है चावल, यानी अक्षत, पूरा ऊपर तक आपको उस कलश को, माटी के कलश को भर लेना है। जी हाँ, भरकर उस कलश के ऊपर आपको रखना है एक का सिक्का, कोई भी कॉइन आप रख सकते हो, और आपको रखना है एक बेलपत्री। जी हाँ,
कलश में बेलपत्री और सिक्का रखकर उस कलश को लाल कपड़े से ढक देना है। लाल चुंदरी ले ले, लाल कपड़ा ले ले जो मिल जाए आपको, उसे ढक कर जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा उसके हाथ उसे स्पर्श कराकर इस कलश को, इस माटी के कलश को आपको लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुँच कर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोकसुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। जी हाँ, सबको पता है जैसे जल बहके जाता है बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, इसे कहा जाता है माँ अशोकसुंदरी का स्थान। यहाँ पर उस कलश को स्पर्श कराना है, स्पर्श कराकर इस कलश को देवी जी के चरणों में समर्पित कर देना है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर देवी जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और अपने विवाह की कामना कीजिए। मंगल विवाह का उपाय है, नवरात्रि में आपको जिस दिन समय मिल जाए आप यह उपाय कर सकते हैं और केवल उपाय मंगल विवाह के लिए है। चौथा उपाय, देखिए बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जी हाँ, या फिर अपने ही घर में अपने को डर लगता है, भय लगता है कि किसी ने कुछ कर रखा है, किसी की बुरी नज़र तो नहीं हमारे घर में पड़ी हुई है, किसी ने कुछ टोटका तो नहीं कर रखा है, या टोना तो नहीं कर रखा है, तो भय है, रोग है, और या फिर कह सकते हैं घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो घर की शांति के लिए आप यह उपाय नवरात्रि में करते हैं। जी हाँ, क्या करना रहता है, एक कलश को भर के रात भर अपने घर के मटके के पास रख दो, जी हाँ परिंडे के पास रख दो, रात भर उस कलश को भर के रखे रहने दो। अगले दिन सुबह स्नान कर लो और स्नान करने के बाद आपको उस कलश में एक बेलपत्री डाल देना है। जी हाँ, उस कलश में बेलपत्री डाल दीजिए और कलश में बेलपत्री डालकर उस कलश को पूरे घर में घुमाओ। जी हाँ, पूरे घर में घुमाकर बाहर निकल जाओ और जब घर से बाहर निकल जाओगे तो घर के आसपास जहाँ भी नीम का वृक्ष हो, जी हाँ नवरात्रि में नीम के वृक्ष में माँ देवी जी का वास होता है, तो नीम के वृक्ष में उस जल को समर्पित कर दीजिए, बेलपत्री को भी नीम के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। ये बहुत विशेष उपाय, सुंदर सा उपाय है जो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, भय से बचा जाता है, घर को बुरी नज़र से बचाया जाता है, साथ में घर में किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा हो तो उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो यह विशेष उपाय है जो नवरात्रि में किया जाता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।